कहते हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री बाहर से जितनी चमकदार नजर आती है, अंदर से उतनी ही काली और दलदल जैसी होती है। सुशांत सिंह सुसाइड केस, राज कुंद्रा पॉन केस के बाद कई दूसरे बड़े चेहरे ड्रग केस के मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। 4 साल पुराने हैदराबाद के ड्रग्स केस में एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह, एक्टर राणा दग्गुपति, रवि तेजा और चार्मी कौर समेत 10 कलाकारों को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। बता दें कि रकुलप्रीत सिंह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच करने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी पूछताछ कर चुकी है। हालांकि उस केस में रकुल से केवल पूछताछ की गई थी, वे आरोपी करार नहीं दी गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 6 सितंबर को रकुलप्रीत सिंह, 8 सितंबर को राणा दग्गुपति और 9 सितंबर को रवि तेजा को हैदराबाद स्थित ईडी ऑफिस में तलब किया गया है। ईडी ने टॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ को 31 अगस्त को तलब किया है। इसके अलावा रवि तेजा के ड्राइवर श्रीनिवास और एफ क्लब के GM के रूप में कार्यरत एक अज्ञात व्यक्ति को भी तलब किया गया है। ईडी ने मामले की जांच करने वाली आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। दिलचस्प यह है कि आबकारी विभाग की विशेष जांच टीम ने सबूतों के अभाव में टॉलीवुड कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी, हालांकि सभी से पूछताछ जरूर की गई थी। एक्साइज डिपार्टमेंट ने परोक्ष रूप में उन्हें क्लीन चिट देते हुए उनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं दायर की थी। यह पहली बार नहीं है जब किसी एक्टर या एक्ट्रेस का नाम ड्रग केस से जुड़ा हो। अब देखना यह होगा कि रकुलप्रीत सिंह, एक्टर राणा दग्गुपति, रवि तेजा और चार्मी कौर की पूछताछ के बाद मामले में कौन सा नया एंगल सामने आता है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम लाड़। खबरों के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।